स्वागत है हमारी लाइव क्लास नित्य क्लासेस में एक नए टॉपिक के साथ में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बीच में। मैंने आपको बताया था कि जो हम करा रहे हैं वो बिल्कुल वन बाय वन करके क्रमबद्ध करा रहे हैं, जिसका जो आप चल रहे हैं ज्योग्राफी में लेकर के बाद एक आपको मिलता जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आगे से पीछे और पीछे से आगे कर दिया गया। तो आप अपनी क्लास को बनाए रखें और क्लास से जुड़े रहिएगा। तो साथियों, आज नया टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भूकंप। मैं इससे पहले कि जैसे आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग सभी साथियों का। मनीष जी, बसंत जी, गुड मॉर्निंग। अब आपको आवाज़ मिल रही होगी, बसंत जी साउंड मिल रहा होगा आपको। अंसाई जी, गुड मॉर्निंग। मैं सभी को जोड़ लेता हूं इसमें और सभी साथ आ जाएंगे, एक मिनट बस। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, और आपने जो अब तक किया है वो मेरा विश्वास है बहुत अच्छे से आप उसे करते जा रहे हैं। कल की क्लास जैसे हमने देखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रही है, आप लोगों की रुचि बहुत अच्छी रही है। तो आपने दिखाया है कि आप पूरा अच्छे से कर रहे हैं क्लास को, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। तो उसी ऊर्जा के साथ में आप जुड़े रहिएगा, चलते रहिएगा। और आज एक नए टॉपिक आपके सामने, आज का हमारा टॉपिक होगा भूकंप, और भूकंप कैसे आते हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, किस तरह से ये भूकंप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे बीच में सभी लोग जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग लाइन पर हैं इस समय में। मैं थोड़ा शेयर कर देता हूं ताकि और भी साथी जुड़ जाएं। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, एक सेकेंड का। चलिए साथियों, हो गया है मेरा काम जो मुझे करना था आप लोगों के लिए। आप बहुत अच्छे से उत्साहित हैं। चलिएगा, शुरुआत करते हैं बिल्कुल एक ऊर्जा के साथ में। आप बने रहिएगा मेरे साथ में। देखिए दोस्तों, भूकंप होते क्या हैं। भूकंप धरातल पर आकस्मिक हलचलों का होना भूकंप कहलाता है। अब ये भूकंप होते, मतलब भूकंप की उत्पत्ति कैसे होते, किस तरह से भूकंप आते हैं, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। सभी का स्वागत है। साई जी, स्वागत है आपका। शशिकांत जी, गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें। लाचंद जी, स्वागत है आपका। सभी का स्वागत है हमारी लाइव क्लास में। देखिए, आकस्मिक हलचलों का आपका महसूस करना, धरातल पर महसूस करना, कंपनों का महसूस करना, कार्तिका जी गुड मॉर्निंग, ये सभी भूकंप कहलाते हैं। अब भूकंप आने के कारण क्या है, मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं। देखिए, भूकंप आपके पास में दो प्रकार से आते हैं, अप्राकृतिक संसाधनों से और प्राकृतिक संसाधनों से। दो प्रकार से आपके पास में भूकंप आते हैं। अब इसमें देखना है कि कौन कौन, मतलब किस किस तरह से वो प्राकृतिक और अप्राकृतिक में रखा जा सकता है, इस चीज को मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिएगा, नंबर एक है आपके पास में प्राकृतिक संसाधन है। साधन हो जाता है, दूसरा अप्राकृतिक संसाधन हो जाता है। संसाधन देखिएगा, प्राकृतिक संसाधन और अप्राकृतिक संसाधन कैसे होते हैं, इनको हम किस तरह से करेंगे। देखिएगा, इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है आपके पास में, वो किस तरह से हो सकते हैं। देखिएगा, प्लेटो यानी के ज्वालामुखी मुखी का फटना या उनमें उद्गार होना, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने कल बताया था ज्वालामुखी से बाद में अगर हम बात करते हैं, वो भूकंप ही आने वाले हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ लालचंद जी, बहुत अच्छा हूँ मैं, आप भी अच्छे होंगे विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ। देखिए, ज्वालामुखी का फटना आपके पास में आता, प्लेटों का खिसकना, खिसकना या खिंचाव आना, ठीक है, या अपरदन भी आ सकता है। देखिए, ये हमारे पास में कुछ कारण हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से होते हैं, यानी कि ज्वालामुखी के फटने से हलचल जो पैदा होती है। जैसे मैंने बताया था कि कल जब बहुत सारे बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, तो उससे आप देखते हैं कि पृथ्वी पर आकस्मिक तरंगे आती हैं जो हलचल का कार्य करती हैं। तो आपके बीच में देखेगा, मैं बता रहा था ज्वालामुखी का फटना, यानी जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उस बीच में क्या होता है, पृथ्वी पर बहुत सारी जो है हलचलें महसूस की जाती हैं। तो उसमें पहला कारण आपका रखा जाता है ज्वालामुखी के फटने से, ज्वालामुखी के उद्गार से भूकंप आते हैं, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, प्लेटों का खिसकना। अब देखिए, मैं आपसे ये बात पहले भी डिस्कस कर चुका हूं थोड़ा सा, कि जब हमारे पास में प्लेटें होती हैं, मान लीजिए ये प्लेट इधर से है और एक प्लेट आपकी इधर से आती है, ठीक है, ये प्लेट है इधर से और ये इधर से आ रही है, जब इन पर फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा हो, जब
ठीक है। अब जब ये आपस में टकराती हैं तो यहां पर एक प्रकार की विशेष ध्वनि उत्पन्न होगी, टकराव पैदा होगी और यहां पर अलग से कंपन पैदा होंगे। जो कंपन पैदा होती हैं ये भी उसका कारण बनता है, यहां से भूकंप आपके उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यहां से तरंगे निकलती हैं, उन तरंगों को तीन भागों में बांटा गया। मैं अभी बताऊंगा कौन कौन सी तरंगे आपकी निकलती हैं। ठीक है, पहले आपको ये लेना जरूरी, वरना कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो जुड़ती हैं ये टकराती हैं तो ये कारण भी होता है प्लेटों का टकराना, या प्लेटों का पहला तो होता है टकराना और दूसरा होता है प्लेटों का, जब प्लेटें टकराती हैं मिल जाती हैं, कई बार ऊपर चढ़ जाती हैं, पहले जब चढ़ती हैं उन पर या टकराते तब भूकंप आते हैं, जब उनसे फोर्स हट जाता है आने वाले समय में तो पीछे हटती हैं तब भी उसमें क्या होता है आपका, तब भी झटके लगते हैं और उसमें भी भूकंप आते हैं। यानी कि प्लेटों के टकराने से और प्लेटों के पीछे हट जाने से हमें दोनों कंडीशन में वहां पर आपके भूकंप आते हैं, झटके लगते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग भारती जी, स्वागत है आपका। रूबी जी गुड मॉर्निंग सभी का, वर्मा जी गुड मॉर्निंग, सुशील जी, मनीष जी सभी का, पिंटू दत्त जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए, आपका बहुत बहुत साधुवाद है। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्लेटें आपकी टकराती हैं या उससे हटती हैं तो उस पर इस पर झटके आते हैं कॉस्मिक और उसी से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा कारण आपका ये होता है। तीसरा है अपरदन, देखिएगा पहाड़ियों का गिर जाना। ठीक है, जब पहाड़ियां गिरती हैं तब भी आपके भूकंप आते हैं, या आपकी भ्रंश घाटियों का बन जाना, या आपकी रेंप घाटियों का बन जाना, या फिर आपकी भ्रंश कगारों का बन जाना। यानी कि जब दो प्लेटें होती हैं, मान लीजिएगा कोई ये प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है आपकी, अब अचानक से ये टूट करके यहां से नीचे गिर जाए, अब अगर ये टूट करके आपकी नीचे गिरती है तो यहां पर झटका आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली एक झटके का आपको झटका लगेगा और जो झटका लगता है वहां से आपके भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, या ऊपर उठ जाना तब भी झटका लगता है भूकंप आने के लिए। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जहां आप की जो पृथ्वी है वो बहुत सारी प्लेटों से मिलकर के बनी हुई है, मैंने आपको बताया था, उसमें दाब भी बताया था आपको, घनत्व भी बताया था। जब दाब और घनत्व की हम बात करते हैं, हर एक प्लेट का अपना घनत्व होता है और वो सीमित सीमित वैल्यू तक किसी भी चीज को रोकती है, अगर उससे ज्यादा असर फोर्स लगता है तो वो टूट जाती हैं, टूटती हैं, बिखर जाती हैं, जब बिखरती हैं तो वहां पर झटके लगते हैं और झटके आने से वहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। सर आपने ग्रुप में ऐड नहीं किया, मैंने कर दिया है आपको, ग्रुप में ऐड नहीं किया है मैडम, ग्रुप में ऐड करूंगा गड़बड़ हो जाएगा। मैंने ऐसा किया है कि आपको मेरी तरफ से मैसेज पहुंच गया होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मोको नोटिफिकेशन नहीं मिला, पता है सर मिला है, आप देखेगा मेरी तरफ से स्पेशल मैसेज गया होगा आपको, अभी देख लीजिएगा, क्लास से शुरू होने के तुरंत बाद गया है। ठीक है जी, जी गुड मॉर्निंग शशिकांत जी, देखिएगा अब ये जो है आपका, ये प्लेटें मिली हैं यहां से, मैं बता रहा था। इसके बाद अपरदन को मैंने बताया, प्लेटों का टूटना गिर जाना ये अपरदन कहलाता है, पहाड़ियों को गिरना अपरदन कहलाता है। ये सब चीजें आपका कारक जो तैयार, ये जो कारक कहलाते हैं भूकंप के कारक कहलाते हैं। तो ये था आपका प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अगला है अप्राकृतिक संसाधन। अब अप्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं, प्राकृतिक से हमारा मतलब ये था जहां पर खुद प्राकृतिक की तरफ से हमें मिल रहा हो करने के लिए, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हमें अप्राकृतिक संसाधनों से मतलब है जहां पर प्रकृति नहीं करती बल्कि मानव के द्वारा ये काम किया जाता है और मानव के ही द्वारा यहां पर बहुत सारी चीजें हमें करने के लिए मिलती है। जैसे अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं अप्राकृतिक साधन में क्या रखा जा सकता है, मुझे लगता है कोमल जी नहीं आई है क्लास में, पता नहीं कहां रह गई हैं। ठीक है, यहां देखिएगा पहला होता है बस, सॉरी सड़क निर्माण, दूसरा आपका बांध बन सकते हैं। ठीक है, तीसरा बम विस्फोट हो सकता है, फोट हो सकता है। ठीक है, और सड़क निर्माण हो गया, बांध हो गया, बम विस्फोट हो गया, रेलवे लाइंस वगैरह या और सारी बहुत सारी बिल्डिंग्स हो सकते हैं। ये पिंटू दत्त जी कह रहे हैं गुरुजी मैथ भी पढ़ाओ, देखिए मैथ की क्लास पिंटू जी पिंटू जी नहीं है दत्त जी, मैथ की क्लास ललित धब्बानिया सर लेते हैं और उनका अपना अलग समय है, मैं मैथ का टीचर नहीं हूं, मैं पहले आपको बताया था, आपने मुझसे क्वेश्चन किया था। ठीक है, आपकी यहां पर साढ़े बारह, गुड मॉर्निंग कोमल जी आ गए, शैतान पुकारा शैतान हाजिर, अभी याद ही कर रहा था।
ठीक है। देखें यहां पर जो मैं कह रहा हूं, मेरी क्लास 11 बजे होती है, आप देख सकते हैं ज्योग्राफी क्लास यहां पर चल रही है, 12:30 बजे ईवीएस की क्लास होती है, उसके बाद में हिंदी की क्लास भी होती है, वो पैडागोजी की भी होती है, और रात में यहां पर ललित धब्यानिया सर की क्लास होती है। मैं आज उसका आपको नोटिफिकेशन डलवा दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सी क्लास कितने बजे होती है, ठीक है। सभी क्लासें आपकी पर डे यहाँ पर चलती हैं, बस देखना यह है कि आप कितना रुचि ले पाते हैं, ठीक है सर, पर डे आपकी क्लास होती रहती है। चलिए आगे चलते हैं, देखें यहाँ पर अप्राकृतिक संसाधन जो है आपके यहाँ पर जो है संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। नंबर एक सड़कों के निर्माण से, अब देखिए सड़कों का जब निर्माण होता है आप सोच सकते हो सड़कों से कैसे भूकंप आ जाएंगे ये सीधी सी बात है। अब देखिए सड़कें आपकी ऐसी ऐसी जगह बनाई जाती हैं जैसे सड़कें बनाई जा रही हैं, अब ये तो पता नहीं नीचे की प्लेटें कैसी, क्या वो इसको झेल पाएंगी या नहीं झेल पाएंगी, सड़कें कई बार निकाल ली जाती हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा जो सड़कें बनती हैं या पुल बनते हैं, और जो पुल बनते हैं पुल बनाने से पहले उसकी टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा पिलर गहराई तक गाड़े जाते हैं, उन्हें देखा जाता है, वहां पर टेस्टिंग की जाती है कि अगर हम पिलर को रोकते हैं तो क्या ये नीचे वाली प्लेट उसे रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी। आपने देखा होगा मेट्रो के बहुत सारे पुल बने, मेट्रो के कुछ पुल आप दिल्ली गए हो अगर आपने देखा तो वो पहले छोड़ दिए जाते थे, वहां की प्लेट्स को चेक किया जाता, पता चला कि वहां पर मेट्रो चल रही है ऊपर से बस निकल रही है वो धस जाए, तो पहले ऐसा हुआ है बहुत सारे पुलों के साथ में, तो इसलिए वहां पर टेस्टिंग की जाती है। तो यहां पर आपका सड़क का प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए वहां की प्लेट अच्छी है नहीं और उस पर आपने यातायात शुरू कर दिया है तो वहां पर क्या होगा, कई बार सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, या पुल नीचे की तरफ धस जाते हैं। तो यही कारण है कि इस कारण से भी आपके संसाधन यानी कि प्राकृतिक संसाधन में वैल्यू बढ़ जाती है। ये आगे क्या कह रहे हैं कोमल जी, हम तो तुमसे ही पढ़ेंगे, मुझे नहीं आता, सॉरी ये तो जिद हो गई है मुझे, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, बस ये कि जोड़ते कैसे घटाते कैसे हैं, ठीक है, इससे आगे बस मैं मजाक कर सकता हूं इसमें, क्योंकि मैथमेटिक्स खुद मेरे लिए मजाक सा है। अंसारी जी, सर हिंदी की क्लास भी होने लगी है क्या? हाँ हिंदी क्लास होने लगी है, शायद मैडम ले रही है हिंदी क्लास, ठीक है, तो आप समय से जाइएगा, क्लास लीजिएगा, मैडम हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है, तो करते हैं। इद्दत जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है आपकी तरफ से, मैं इसके लिए बड़ा सम्मान करता हूँ आपको, लेकिन ये केवल मजाक तक सीमित है। आगे चलते हैं, देखिए सड़क में क्या है ये आपका मैं बता चुका, उसके बाद में बांध की बात देखिएगा। देखिए बांध जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, विस्तारित होते हैं, और ये मान लीजिए उसमें पानी जो होता है वो काफी ज्यादा पानी उसमें रखा जाता है, उसमें कई कई सौ मीटर तक पानी रखा जाता है। आप टिहरी बांध में आप जाएंगे तो आप पाएंगे उसमें 800-900 मीटर ऊंचा पानी है। आप इधर कालागढ़ बांध में जाएंगे तो आप वहां ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, तो वहां भी 300-400 मीटर ऊंचाई तक का बांध मतलब पानी रहता है, 300-400 मीटर तक का पानी रहता है। अब आप टिहरी बांध जाएंगे उसमें इतना पानी है, अगर वो टूट जाए तो दिल्ली तक 8 फीट पानी हो सकता है। तो साथियों अगर इतना बड़ा पानी मतलब इतना ज्यादा पानी हो सकता है तो नीचे की प्लेट्स जो है नीचे जो प्लेटें हैं उन्हें रोकने के लिए उतनी पावर होना चाहिए। तो ये डीपी जी गुड मॉर्निंग सभी साथियों का धन्यवाद। अब ये जो है आपकी जो प्लेटें हैं रोकती हैं और रोकने के लिए उनके पास में पावर होनी चाहिए। अब डैम आपने बना दिया है उस पर इतना प्रेशर आ जाए कि नीचे की प्लेट टूट जाए तो फिर क्या होगा, वहां पर भी भूकंप उत्पन्न हो जाएंगे, सही है ना। ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होगी। ये सारा जो मसला है वो किस पर है, प्लेटों पर आधारित है या ज्वालामुखी पर आधारित है। प्लेटों के टकराने से ज्वालामुखी के फटने से ही भूकंप आते हैं। तीसरा कारण आपका अपरदन से है, चाहे आपके वो अप्राकृतिक संसाधन हो चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, आपके भूकंप उससे आते हैं। अगर आप महसूस करना चाहते हैं कि भूकंप वाकई में ही इनसे आते हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए जब आप कई बार खड़े रहते हैं या कहीं पर बैठे रहते हैं अचानक से वहां से कोई ट्रक निकल जाए भरा हुआ, या आपने अपने घरों में इंजन चलते हुए देखे हो तो आप एक छोटी सी कंपन महसूस करते हैं। अब लगा लीजिए अगर एक इंजन के चलने से या फिर एक ट्रक के निकल जाने से आपको कंपन महसूस होती है तो इतने बड़े स्तर पर जहां पर प्लेटें टकराती हों और टूट जाती हों तो वहां पर कितनी गहराई तक मतलब कितने अच्छे लेवल वाले भूकंप आते होंगे, तो उनसे भूकंप आते हैं। हिंदी की क्लास मैडम, हिंदी की क्लास कामनी गौतम जी लेती हैं और इवनिंग में शायद क्लास उनकी चलती है। मैं आ जाइए डलवा दूंगा आपके पास में, थोड़ा सा मैं कल भी मैंने आपसे वादा किया था, माफी चाहता हूं मैं इसे पूरा नहीं कर पाया, लेकिन डेफिनेटली आज जरूर मैं करवा दूंगा। हाँ गुड मॉर्निंग शिवानी जी आ गई हैं यहाँ पर, और भावना जी स्वागत है आपका हमारी क्लास में, और जो साथी नए जुड़े हैं जो अभी क्लास में है लेकिन अभी हमसे नहीं जुड़ पाए, अवनीश कुमार जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। तो वो सभी साथी लगे रहें और अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराते रहें कि भाई आप यहाँ पर हो, ठीक है।
इसके आगे चलिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सड़क से भी बांध से भी आ गई होगी। अब बम विस्फोट से देख लीजिएगा। देखिए आप जब कभी कभी आप देखते हैं बम विस्फोट होता है, पूनम मौर्या जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। जब आप बम विस्फोट देखते हैं जहां पर बम विस्फोट होते हैं, या कई बार मिसाइलों को चेक किया जाता है, पानी के अंदर भी कई बार करते हैं, जमीन के अंदर भी डाल जाता है, तो उससे हम ये उससे भी कई बार कंपनें होती हैं। तो ये सारे अप्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो मानव कृत होते हैं, मानव के द्वारा लाए गए होते हैं, उन्हें अप्राकृतिक संसाधनों में रखा गया है। और जो आपकी जिससे होते हैं आपके एनवायरनमेंट से होते हैं, पृथ्वी के कारणों से होते हैं, उसे आपके प्राकृति या प्राकृतिक के द्वारा होते हैं, आप समझ सकते हैं प्राकृति का मतलब, तो उन्हें आप प्राकृतिक संसाधन से कह सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये आप बात ये आपको क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि ये हमें बताया नहीं था। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, जिसका कोई क्वेश्चन अगर है, किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ सकता है। प्रियंका कुमारी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, आपका स्वागत है हमारी लाइव क्लास में, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अगर किसी का कुछ छूट गया है तो वो कन्फर्म कर सकता है, जिसका नहीं छूटा है वो हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, जिस किसी को पूछना हो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बीच में बताता रहूंगा। इसके बाद में अगर हम अब आगे चलते हैं, सब करने का देखेगा, अब तक था कि भूकंप आने के कारण क्या हैं या किस तरह से आते हैं, एक बार रिवीजन करा दो। अरे कोमल जी लेट हो गई, मुझे पता है इस बात का, तो रिवीजन कराना जरूरी था। देखेगा, मैंने बताया था अप्राकृतिक संसाधन, आप सभी से निवेदन है एक बार बिल्कुल जुड़ जाइएगा, सही से एक बार देख लिया सर, एक बार दोबारा बिल्कुल बता देता हूं मैं दोबारा। ठीक है, सभी का आदेश सराखों पर। देखिएगा, मैंने बताया था अप्राकृतिक संसाधन से, दूसरा प्राकृतिक संसाधन से। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं और अप्राकृतिक कौन से होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो प्राकृति के द्वारा आते हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना पहला कारण, ज्वालामुखी फटने से भूकंप आते हैं, विस्फोट होता है तो हलचल पैदा होती है और उसमें अकास्मिक कंपनें आपके सामने देखी जाती हैं। दूसरा आपके पास में होता है क्या, प्लेटों का खिसकना या प्लेटों का टकरा जाना, ऊपर आना या नीचे आना की जो क्रिया कहलाती है वो आपका भूकंप का कारण बनता है। तीसरा है अपरदन होना, यानी कि प्लेट का टूट जाना या पहाड़ियों का गिर जाना, चट्टानों का गिर जाना, जिससे आप देख सकते हैं घाटों का निर्माण होता है, जिसमें भ्रंस घाटियों का निर्माण होता है, रैंप घाटों का निर्माण होता है और उसमें आपकी कगारों का निर्माण भी होता है। नमो बुद्धाय, जय भीम, हरि शाक्य जी, आपका स्वागत है हमारी लाइव क्लास में। इसके बाद में ये आपके पास में तीन साधन मैंने बताए थे, ज्वालामुखी और प्लेटों का खिसकना और तीसरा क्या था, अपरदन था। इधर आपको मैंने बताया था अप्राकृतिक संसाधन में था, जिस जो मानव द्वारा होते हैं, जैसे सड़कों का निर्माण में, सड़कों के निर्माण से क्या दिक्कतें आने लगी हैं, जब यातायात चलता है वो प्लेट कहीं से ना कहीं टूट जाते हैं, कई बार वहां से भी होता है। बांधों के निर्माण में, बांधों के नीचे की प्लेट जब प्रेशर उस पर आता है तो वो भी टूट जाते हैं, कई बार वहां से भी आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा बम वगैरह या आप जो ये इस तरह के आप देखते रहते हैं तो वहां से भी आपके भूकंप आने शुरू हो जाते हैं। तो ये थे आपके भूकंप आने के कारण। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, भूकंप जहां आते हैं उसे क्या कहते हैं, जहां महसूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, हम एक रेखा खींच लेते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी के अंदर वाला भाग ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी पृथ्वी, देखिएगा दोस्तों, हाँ हम एक नमूना बनाते हैं पृथ्वी का, ऐसे बना लेते हैं, बहुत अच्छा बड़ा खूबसूरत बना है। ठीक है, ये देखिएगा, इसको लिया, ये भूमध्य रेखा रेखा है, या इसे विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, 0 डिग्री पर। अब ज़्यादा जरूरी नहीं है इसको बनाना, बस मुझे थोड़ा सा समझाना है यहाँ से। मान लीजिए यहाँ पर भूकंप आता है, इस प्लेट पर भूकंप आ जाए तो जिस जगह भूकंप महसूस किया जाता है, अब इस वाली चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं, इससे पृथ्वी से बाहर निकाल लीजिए कट करके। ठीक है, आपने कर लिया होगा। अब देखिए यहां पर ये टकराई प्लेट, यहां पर टकराई, तो यहां से जिस जगह ये प्लेटें टकराई हैं इसे कहेंगे भूकंप मूल। क्या कहेंगे दोस्तों, इसे भूकंप मूल कहेंगे। ठीक है, अब सभी को साफ तो चमक रहा होगा ना, अब तो कोई इशू नहीं है कि साफ नहीं चमक रहा। हाँ, प्लेटों को खिसकने से बताया तो है मैंने कोमल जी। ठीक है सर, एक बार बता दिया है मैंने, ये क्या कह रहे हैं शाह जी। ठीक है, देखिएगा,
ये जहां पर महसूस किया जा रहा है इसे हमने कहा भूकंप मूल कहा है, और जहां पर ये महसूस होता है यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यानी कि जिधर से आपको लगता हो जिस तरफ आप जाकर के भूकंप को महसूस करते हैं उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा जहां पर भूकंप आपका आया है, जहां पर प्लेट टकराई है, जहां पर उसका निर्माण हुआ है या उत्पत्ति हुई है उसे हमने कहा है, धन्यवाद साक्य जी, जहां पर आपने इसे प्लेट को देखा है मैंने कहा कि यहां पर टकरा रहा है, यानी कि प्लेट यहां पर टकराई है या ज्वालामुखी फटे हैं, यानी कि जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है, वह आपका भूकंप मूल कहलाता है, और जहां पर उसे महसूस किया जाता है उसे अभिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको बहुत आसानी से बड़े अच्छे से क्लियर हो रही होगी, बहुत अच्छा टॉपिक है, रुचि बनाए रखिएगा, आप इसे बहुत अच्छे से कर जाएंगे ये मेरा विश्वास है, और आप इसे अच्छे से कर भी रहे होंगे क्योंकि आने वाले क्वेश्चन इससे जुड़े हुए होंगे, बहुत प्यारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा हर बार की तरह। कल की क्लास बड़ी बहुत ज्यादा अच्छी रही है, आप लोगों ने बहुत ऊर्जा के साथ में किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं इस बात को देख रहा था और मुझे लगता है कि आने वाली क्लास ऐसे ही होंगी। ठीक है साथियों, अब देखिए यहां पर बात की है मैंने भूकंप मूल क्या कहलाया है, जहां पर उत्पत्ति होती है और जहां पर महसूस किया जाता है, चाहे वो यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, जहां उसे आप महसूस करते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है, वो किधर भी आप महसूस कर सकते हैं, तो जहां पर महसूस किया जाता है उसे आप कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे अभिकेंद्र कहेंगे। भूकंप का मापन रिएक्टर पैमाने पर है, सिस्मोग्राफ है, बिल्कुल देखें। हरिंदर जी स्वागत है आपका, आपके पास में काफी देर पहले नोटिफिकेशन पहुंच गया, आप इतने लेट कैसे हो गए, देखिएगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि भूकंप को गहराई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, या भूकंप को किस तरह से रखा गया, भूकंप कितनी गहराई वालों को क्या हम कहते हैं। ठीक है, बना लेते हैं। गहराई के आधार पर नंबर एक सामान्य भूकंप है, सही है। दूसरा है मध्यवर्ती भूकंप। तीसरा है पातालीय भूकंप। ये आपके पास में तीन प्रकार के भूकंप हैं। कौन कौन से भूकंप हैं आपके पास में, ये आपके पास में हो जाते हैं सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती, पातालीय, ये आपके पास में तीन भूकंप हो जाते हैं। ठीक है साथियों, अब इनके हम बात करते हैं कि ये जो भूकंप है तीनों कितनी कितनी गहराई पर रखे गए हैं। नंबर एक है इसमें 0 से लेकर के 50 किलोमीटर तक की गहराई तक, यानी कि जो धरातल से, यानी कि जो ऊपर वाला भाग है उसे 0 से 50 किलोमीटर के नीचे तक जब हम उसे लेकर के जाते हैं तो वो सामान्य भूकंप कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा आपके सामने है मध्यवर्ती भूकंप। अब मध्यवर्ती भूकंप की जो गहराई है वो कितनी रखी गई है, क्योंकि सामान्य जो है वो 0 से लेकर 50 किलोमीटर तक रखा गया है। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले भूकंप आया था जिसका केंद्र दिल्ली में था, वो सामान्य था क्योंकि उसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं थी। गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद में है कोमल जी, बिल्कुल सही बात है, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर दो, जहां पर यहां पर 0 से 50 किलोमीटर सामान्य में रखा गया है। दूसरा है आपका ये 50 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर तक। ठीक है दोस्तों, मध्यवर्ती भूकंप जो है आपके वो 50 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर तक उन्हें रखा गया है। ठीक है, ये आपके पास में है, देखिएगा। पहला सामान्य 0 से 50 किलोमीटर, मध्यवर्ती 50 से 250 किलोमीटर तक, और अब है पातालीय भूकंप की बात करते हैं, जो आपके 250 किलोमीटर से लेकर के 750 किलोमीटर या उससे अधिक जो आपके भूकंप होते हैं वो आपके पातालीय भूकंप कहलाते हैं। ये मान लीजिए कहते हैं ना पाताल में चला गया है। धन जी जी प्रणाम सर, प्रणाम, बहुत लेट हो गए आने में आप, कोई बात नहीं है, स्वागत है आपका हमारे लाइव क्लास में। ठीक है, देखिए आपके पास में सामान्य भूकंप 0 से 50 किलोमीटर, मध्यवर्ती 50 से 250 किलोमीटर तक, और पातालीय भूकंप आपके 250 से साढ़े
700 किलोमीटर या उससे अधिक भी उनकी गहराई रखी जा सकती है, रखी जाती है। 250 किलोमीटर से अधिक के जो भूकंप आपके होते हैं वो आपके पातालीय भूकंप कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों से इस बात को बताता हूँ, निवेदन करता हूँ, इन हमारी लाइव क्लास को आप बिल्कुल ऐसे सोच के ना देखें कि वीडियो आ रहा है, बस आपको देखना है, सारा माइंड में आ जाएगा। कुछ चीज़ें आपको नोट भी कर लेनी चाहिए, आप उसे नोट भी करते रहें, आपके नोट्स बनाने में ज़्यादा फायदा रहेगा। जैसे अब ये चीज़ है, अगर आप इसको लिख करके रख लेंगे तो मेरा विश्वास है दोबारा आपको इस चीज़ के लिए वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, वरना फिर से तुम्हें इसमें आना पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात, आप देख देख कर सीखते हैं तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन लिख करके नोट्स भी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नोट्स बनाना आपके हॉबी में होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, कि तो लगे रहिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सभी लोगों को मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखिए साथियों, आप आते हैं क्लास में, अच्छा लगता है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें, मुझे ऊर्जा मिलती है उससे, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कितनी रुचि ले रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूं। आपको ये बात मैंने बताई है, पहला मैंने बताया था, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आपको जरूरी है कि इसका रिकॉल हो जाना जरूरी है, जो लोग लेट जुड़े हैं उनको भी ये क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, जहां भूकंप उत्पन्न होते हैं, जहां भूकंप उत्पन्न होते हैं उसे हम कहते हैं भूकंप मूल कहते हैं। अब ये किस किस कारणों से होते हैं, मैंने आपको बताया, ज्वालामुखी से होते हैं आपके, और आपके प्लेटों के टकराने से होते हैं। तो यहां पर आपका भूकंप मूल कहा गया है, अभिकेंद्र कहा गया है। ठीक है, भूकंप को गहराई के आधार पर रखा गया है, तो वो कितने उसमें रखा गया ये आपके पास में है, तीन उसमें रखा गया है। नंबर एक, सामान्य भूकंप जो गहराई के आधार पर सामान्य 0 से 50 किलोमीटर तक होते हैं, जो आपके 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक होते हैं वो आपके होते हैं मध्यवर्ती भूकंप होते हैं। पातालीय भूकंप 250 से 750 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर चलिए, फीलिंग वेरी गुड, अरे सर धन्यवाद, शशिकांत जी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। सर नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा है अंसारी जी, लगे रहिएगा आपका, मैं मुझे पता है, विश्वास है कि आप कर रहे होंगे। ठीक है, सभी लोग लगे रहे, कार्तिक भारती में समझ रहा हूँ, हेलो कमल का मतलब क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिएगा, कभी कभी हरकत से बाहर नहीं आते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आती ये बात है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम इसको बढ़ाते हैं। ये बात तो अब तक क्लियर है ना सबको, सबको क्लियर है तो बताइएगा मुझे, किसी को कुछ पूछना तो नहीं, पीडीएफ कैसे मिलेगी? सर बिल्कुल आपको पीडीएफ समय से मिल जाएगी, आप परेशान ना हो, हम आपके पास में पीडीएफ भी पहुंचाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अंजू जी आपका स्वागत है, आपकी गुड मॉर्निंग, 40 मिनट लेट हो रही है, बहुत लेट हो जाते हैं आप, थोड़ा अपने काम को समय से निपटा लीजिएगा। देखिए पीडीएफ भी आपको समय पे मिलती रहेगी, और इससे आप परेशान ना हो, क्योंकि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। आप फिलहाल जिस तरह से लिख रहे हैं, आप उसे नोट्स को बनाते रहिएगा और लिखते रहिएगा। ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है, पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, मैं कार्तिका जी आपको मिल जाएगा, मैं खुद आपके सामने समक्ष खड़ा हुआ हूँ, तो मुझसे बढ़िया नोट्स हो सकता है क्या? चलिए खैर, फिर भी मैं आपको पर्सनली सबको भेज दूंगा, डोंट वरी, ओके। चलिए आगे देखिए, हम शुरुआत करते हैं। अभी तक मैंने बताया था कि भूकंप आने के कारण क्या है। ठीक है, भूकंप को गहराई के आधार पर किस तरह से रखा जाता है ये आप अब तक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि भूकंप जो आते हैं उनसे तरंगे निकलती हैं, कौन कौन सी तरंगे निकलती हैं, किस तरंगे को किस नाम से जाना जाता है, किसकी वैल्यू क्या है, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, भूकंप तरंगे हैं, ये तरंग भूकंप यह कर देते हैं, कौन कौन सी होती हैं जरा बताइए मुझे, मैं भूल गया, मुझे लग रहा है कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है आप लोगों को देख करके। बताइए किस किस को पता है इसके बारे में, बताइए। नंबर एक कौन सी होती है बताओ, प्राथमिक तरंग, जिसे प्राइमरी तरंग भी कहा जाता है। प्राइमरी वेव से कहा जाता है। नंबर दो है आपकी द्वितीय या सेकेंडरी,
तीसरी है आपकी धरातलीय या लोंग या लव तरंग भी कह सकते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, ये तीन तरंगे आपके पास में है। पहली प्राथमिक तरंग है, दूसरी आपकी द्वितीय तरंग है और तीसरी आपकी है धरातलीय तरंग। अब इनको किस किस नाम से जाना जाता है? देखिए, प्राथमिक तरंग को आप जो समझते हैं लंबात्मक भी कह सकते हैं, आत्मक तरंग भी कह सकते हैं, तरंग ठीक है, इसे आप गौण तरंग कहते हैं, सही है, उसको मैंने बताया धरातलीय तरंग, लोंग तरंग और लव तरंग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आपके पास में ये तीन प्रकार की तरंग है। अब इसमें देखते हैं कौन सी खतरनाक है, कौन सी इसमें खतरनाक नहीं है। ठीक है, मैंने पूछा था किसी का, कुछ आंसर मुझे आया अभी तक नहीं आया, देख लेते हैं क्या क्या है। कार्तिक ये क्या कह रहे हैं, टेलीग्राम पर मैं PDF मिलेगी, बिल्कुल जरूर देंगे आपको। ठीक है, मैं अच्छा अच्छा आपस में बात चल रही है, कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही होती है। सर अगले एग्जाम कब लेगा पता नहीं इसके बारे में। पिंकू जी, मैं जैसे रेलवे वालों से आज मैं फोन करके बात करता हूँ, जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको अवगत करा दूंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, मेरे बिल्कुल अच्छे संबंध है रेलवे वालों से, रेल की बंद मैंने करा रखी है ना, तो आप परेशान ना हो, जैसे ही होगा मैं पिंकू जी आपके लिए एकदम डाल दूंगा। वैसे अभी आप 2-3 महीने शांत रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लगता है कि ऐसा अभी 2-3 महीने नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मैं मजाक कर रहा हूँ पिंकू जी, प्लीज़ बुरा ना माने। ठीक है, जैसे आप मजाक करते हो ना, मैं भी आपकी तरह मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए आपसे, इसके बाद में जो हम प्राथमिक तरंगों की बात कर रहे थे तो ये आपको किस किस नाम से जानी जाती हैं। पहली प्राथमिक तरंगे आपके लंबा तरंगे के नाम से या अनुदैर्ध्य तरंगे के नाम से भी जानते हैं। दूसरी द्वितीय तरंगे के नाम से, अनुप्रस्थ अथवा गौण तरंगे के नाम से जानी जाती है। तीसरी आपकी धरातलीय तरंगे या लोंग या लव तरंगे के नाम से जानी जाती है। इन्हें इंग्लिश में प्राइमरी, सेकेंडरी और लोंग तरंगे कहा जाता है, अथवा इसे पी से संबोधित करते हैं, इसे पी से संबोधित करते हैं, इसे आप एस से संबोधित करते हैं और इसे आप एल से संबोधित करते हैं। आपके सामने अधिकतर ये होता है, ये आपके शॉर्ट करैक्टर है बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे ये पी है, एस है और एल है, तो आपसे कई बार आता है कि पी तरंगे या एस तरंगे या एल तरंगे आपके सामने आता है। नेत्रपाल जी स्वागत है आपका हमारी लाइव क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप क्लास में आए हैं, गुड मॉर्निंग आपके लिए। देखिए, आपके पास में यहाँ पर P है, यहाँ पर S है, यहाँ पर L है, हमारे पास में तीन प्रकार की तरंगे होती हैं। P तरंगे प्राइमरी होती हैं, S तरंगे सेकेंड तरंगे होती हैं और L तरंगे आपकी लोंग या लव तरंगे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इनके बारे में बात करते हैं कि कौन सी तरंगे किस तरह से कार्य करती है। मस्त कॉमेडी आपने ही, कॉमेडी आपने रेल बंद करा रखे हैं। अरे अगर ये मैं नहीं हूँ, ये कोरोना का कमाल है, कुरान ने ऐसा कमाल किया है कि विश्व ने कभी इस चीज को नहीं देखा होगा। आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आने वाला है आने वाले समय में, कि ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। द्वितीय विश्व युद्ध सबसे महायुद्ध रहा है विश्व का, विश्व युद्ध जो रहा था 1945 में हुआ था, उस समय सभी देश आपस में लड़ रहे थे, लेकिन उस समय में भी आकर के रेलवे को बंद नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन आज के समय में भारत के अंदर रेलवे को बंद कर दिया गया है, तो आप लगा सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा घातक है कोरोना। ठीक है, कोरोना इतना घातक है कि द्वितीय विश्व युद्ध भी से जो है, द्वितीय विश्व युद्ध में भी इतने महामारी नहीं आई थी या हालत खराब नहीं हुई थी कि रेलों को बंद करना पड़ा हो, लेकिन आज कोरोना के समय में रेल भी बंद कर दी गई है, तो आप लगा सकते हैं कोरोना जैसी महामारी कितनी घातक हो सकती है। तो साथियों, ये मैं मजाक के तौर पर बोल गया था, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे पिंकू जी बुरा नहीं माने, क्योंकि मुझे लगता है कि वो खुद फनी है अपने आप में, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मुनेंद्र जी स्वागत है आपका हमारी क्लास में, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। इसमें मैं बताया था अब पी तरंगे हैं आपके पास में, एस तरंगे हैं, एल तरंगे, अब इनके बारे में हम बात करते हैं। पी तरंगे जो होती हैं आपकी, वो सबसे ज्यादा तेज चलने वाली तरंगे होती हैं। ठीक है, इनकी स्पीड सबसे अधिक की बात करेंगे, सबसे कम की बात करेंगे, और इनके हम अगर मध्य की बात करते हैं तो ये सभी जो तरंगे हैं ये आपके अलग अलग समय में अलग अलग स्पीड में होती हैं। सारी तरंगे अलग अलग तरीके से देखी जाती हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा पहला एस तरंगे की अगर हम बात करें तो इनकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड देखा जाता है। ठीक है, मिनिमम आप देख सकते हैं 5.5 रखा जाता है,
और मध्य 8.5 के आसपास रखा जाता है, यानी कि इनकी मध्य स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं 8.5 किलोमीटर के आसपास तक स्पीड प्रति सेकंड होती हैं। ये सबसे तेज चलने वाली तरंगें होती हैं जो आपके सभी माध्यमों से होकर के चल सकती हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर ये सभी तरंगे मतलब सभी नहीं सॉरी पी तरंगे जो हैं सभी माध्यमों में चल सकती है और इनकी स्पीड सबसे ज्यादा अधिक होती है। ठीक है, तो ये सबसे तेज चलने वाली तरंगे होती हैं। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे के नाम से भी जानी जाती हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे देख लेता हूं क्या बोल रहे हैं, तरंगों के नाम साफ नहीं दिख रहे हैं। चलिए सुशील जी बहुत अच्छे, लेकिन मेरी स्पष्ट आवाज आपको बहुत अच्छे से आ रही होगी। देखिए सुन लीजिएगा, पहली तरंगे, पहली का नाम है प्राथमिक तरंगे, इसे प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, इसे लंबवत तरंगे भी कहा जाता है और इसे अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। बिल्कुल साफ हो गया होगा। ठीक है, और इसे शॉर्ट में बिल्कुल पी फॉर प्राइमरी और इसे पी से संबोधित करते हैं। ठीक है, दूसरी है द्वितीय तरंगे या सेकेंडरी तरंगे के नाम से जाना जाता है, इसे गौण तरंगे के नाम, इसको गौण तरंगे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगली है धरातलीय तरंगे या लोंग तरंगे हैं। ठीक है, तो तीसरी तरंगे जो आपकी धरातलीय लोंग तरंगे के नाम से जानी जाती हैं। तो मेरा विश्वास है सुशील जी आपका अब क्लियर हो गया होगा मेरा लिखा हुआ, आपके कमेंट्स ऊपर पहुंच गए, एक मिनट मैं नीचे कर लूं। हाँ, ये भारती जी कह रही है सर मेरी बात पर भी ध्यान देना प्लीज, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बात है, देख लेता हूँ सर, प्लीज थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया दीजिए मेरी, हाँ ओ हो सॉरी 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 सॉरी, क्या सीटेट के सिलेबस के आंसर, हाँ जी सर, देखिए सीटेट यूपीटेट सुपरटेट आपका समीक्षा अधिकारी लोअर पीसीएस सभी से ये वही तमाम जगहों से हैं जो आपके लिए आ जाते हैं। ठीक है, ये एक जो मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ ये ऐसा है कि ऐसा नहीं हो सकता है किसी एग्जाम में नहीं आएगा, जहाँ पर आपकी जीके और जीएस आती है एसएसटी आती है वहाँ से ये आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ठीक है कोमल जी, मैं माफी चाहता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पर मैं काफी बड़ा लिखता हूँ, काफी बड़ा बोर्ड है, अब आप लगा जी मैं ही कितना बड़ा हूँ उसके बाद ही मैं लिख रहा हूँ इतना बड़ा बड़ा, फिर भी दिक्कत आ रही, तो थोड़ा सा दिक्कत है ना, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मैंने पहले दिन बहुत छोटा लिखा करता था लेकिन उस वाले साइज में ये चार गुने का फर्क है। ठीक है, आगे चलिएगा, नेत्रपाल जी कह रहे हैं साफ साफ नहीं दिख रहा है सर बोर्ड पर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, यहाँ जो मैं अपने लैपटॉप में देख रहा हूँ वहाँ तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, ये आपके थोड़ा सा सेट की प्रॉब्लम होती है कई बार, स्पीड की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो आप इससे परेशान ज़्यादा ना हो। ठीक है, ओके मनीष जी क्वालिटी बढ़ा दी है हमने। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, वंस अगेन और थोड़ा बड़ा लिख लेंगे आपके सामने। देखिए मैं कह रहा था इसकी सबसे अधिक स्पीड होती है 13.6 किलोमीटर सबसे अधिक होती है, अब देखो बहुत बड़ा लिखा है आपकी बार बताना, इसके बाद में इसकी मध्य स्पीड को रखेंगे 8.5 तक और मिनिमम 5.5 तक रख देंगे, तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड मध्य मानी गई है अधिकतम 13.6 और कम 5.5 रखा गया है जो अधिकतम और मिनिमम स्पीड होती है, ये सबसे तेज चलने वाली तरंगें होती हैं जो सभी माध्यमों में चल सकती हैं। ठीक है, दूसरी है आपके पास में, दूसरी तरंग है आपके पास में, दूसरी तरंग जो आपके पास में है वो है आपकी सेकेंडरी तरंग, यानी कि हम गौण तरंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे गौण तरंग के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा इसकी स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्पीड कितनी होती है, किसको याद है कोमल जी बताओ जरा इसकी स्पीड कितनी होती है, कोमल तो साइलेंस हो गई है, पता नहीं क्या बात है, गुस्से में है क्या, समझ नहीं आ रहा, नहीं है। चलिए इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड है आपकी 4 किलोमीटर के आसपास तक रखी गई है, कितनी है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड रखी गई है। ठीक है, ये 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं और यह है आपकी दलदल में जाकर के खत्म हो जाती हैं। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको बता रहा था पृथ्वी की संरचना में, कि पृथ्वी की संरचना के बारे में जो हमें पता चलता है तो सबसे बड़े कारक आपके पास में इन तीनों तरंगों को रखा गया है, इन तीनों तरंगों से पता चलता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, क्योंकि प्राइमरी तरंगें आपकी सभी माध्यमों से निकल जाती हैं तो ये नहीं बता पाती कि पृथ्वी कैसी है, लेकिन
जब बात आती है ऐश तरंगों की, तो ऐश तरंगे ऐसी तरंगे आपकी होती हैं जो आपकी दलदल में जाकर के या लिक्विड फॉर्म में जाकर के आपकी समाप्त हो जाती हैं। तो जब यह है पृथ्वी के करोड़ में जाती हैं, वहां दलदल वाला भाग है, तो वहां पर जाने के बाद में ये आपके दलदल में जाकर के खत्म हो जाती हैं। तो इससे पता ये चलता है कि पृथ्वी आज भी अंदर से पिघली हुई है या ध्रुव अवस्था में है। ठीक है, तो इनकी स्पीड होती है आपकी 4.0 के आसपास होती है। ठीक है, इसके बाद में नंबर आता है आपका एल तरंगे। एल तरंगों की स्पीड सबसे कम होती है, ये सबसे कम चलती हैं, यानी कि इनकी स्पीड सबसे कम हो जाती है। भारतीय जरूरत की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इस क्वालिटी बढ़ा तो दिया यार, मैं इसी कैसी बात करवा बार बार। देखिएगा, लॉन्ग तरंगे हैं, धरातलीय तरंगे हैं, इनकी स्पीड सबसे कम होती है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, सबसे कम होती है लेकिन ये सबसे ज्यादा घातक होती हैं। अब कैसे घातक होती हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, सबसे घातक इसलिए होती है क्योंकि देखिएगा 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर लिखा है मैंने, 1.5 किलोमीटर लिखा है। क्लास में सब है तो ना, बने हुए लिखते रहा करो, ऐसे लगता है जैसे रुक गया हो सब कुछ। ठीक है, 1.5 किलोमीटर से लेकर के 3.0 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। अब देख लीजिएगा, इसकी चाल सबसे कम है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर से 3.0 किलोमीटर तक चाल लिखी गई है, बिल्कुल हल्की चाल है, बिल्कुल मध्यम मध्यम चलती है। अगर आप प्राइमरी तरंगों की बात करते हैं और इनमें बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में फर्क आ जाता है। सबसे अधिक ये चलती है 66% के आसपास ये चलती हैं स्पीड में, ये 40% के आसपास में चलती हैं, और ये सबसे कम में आपकी चलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका यहाँ पर हो जाता है धरातलीय तरंगे। इसके बाद में प्राइमरी तरंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जिसका किसी का क्लियर नहीं हुआ है वो मुझे बता सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, क्योंकि आप मुझे बताते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ये अच्छा सा नहीं होता है, थोड़ा बताते रहें, बोलते रहें, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों का बोलना भी ज़रूरी है। ठीक है, और ये क्लियर हो गया होगा, तरंगे तीनों आपकी क्लियर हो गई होंगी अब तक, मेरा ऐसा मानना है। अगर आपका किसी का कोई सवाल मुझसे है तो पूछते रहिएगा, और सभी क्लास में है ये भी मुझे बताते रहिएगा, मुझे लग रहा है क्लास से पता नहीं गायब तो नहीं हो गए सब लोग। इसके बाद में ये बात क्लियर हुई सभी को, क्लियर हो गई होगी। कैमरे को क्या हुआ, देखिएगा इसके बाद में हम जो बात करेंगे, अब ये बात आपको क्लियर हो गई है, मैंने इसको बताया किस तरह से हुआ है। अब इसके बाद में देखना ये है कि भूकंप को जो मापने के लिए कैसे कैसे पता चलता है कि भूकंप कितना आया है, कैसे आया और कब आया है। ठीक है, हमारे पास में इस तरह के स्केल रखे गए हैं, और वो कौन कौन से स्केल रहे हैं मैं आपको उनके नाम लिख देता हूँ, उसके बारे में थोड़ा नहीं पूरा विस्तारित करके बता देता हूँ आपको, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, नंबर एक है आपका कौन सा है, मार्केली स्केल है। ठीक है, दूसरा रिएक्टली स्केल, बार बार आप रिएक्टर लिख भी देते हो, आपके कमेंट में मुझे मिलता रहता है कि रिएक्टली स्केल है, रिएक्टली स्केल है ना, इससे भी अलग कुछ स्केल है, रिएक्टली स्केल सबसे बाद में आया हुआ स्केल है। पहला है आपका राशि फेरल स्केल है, इसको रखा गया था 1 से 11 तक रखा गया था, यानी कि इसमें 1 से 11 तक बिंदु रखे गए थे। अब 1 से जब 11 तक इसमें बिंदु रखे गए तो यह है बताता था, ये चलता कैसे था, ये आपका इस तरह से चलता था। ठीक है, नहीं ये ऐसे नहीं चलता था दोस्तों, ये चलता था आपका मीटरों के हिसाब से चलता था, 1-2 इस तरह से चलता था, और ये फेल हो जाया करता, यानी कि आपके जो बढ़ते तो ये फेल हुआ करता था, इसलिए इस स्केल को हटा दिया गया। ठीक है, दूसरा है आपके पास में जो स्केल है वो रखा गया है, दूसरा स्केल मार्केली स्केल रखा गया है। ठीक है, और दूसरा जो स्केल है मार्केली स्केल आपके सामने है, इसको मैं साफ कर देता हूं, और मार्केली स्केल जो रखा गया, स्केल वो था आपका 12 बिंदु तक रखा गया। ठीक है, अब ये 12 बिंदु तक रखा गया, ये भी ठीक किसी के जैसा था और ये भी फेल हुआ,
जब ये दोनों फेल हो गए उसके बाद में बड़ी समस्याएं आने लगी, तो उसके लिए आपको लाया गया रिएक्टल स्केल। तीसरा था आपके पास में रिएक्टर स्केल, ये सबसे महत्वपूर्ण है और आज के समय में सिस्मोग्राफ यंत्र से रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। ठीक है, ये रिएक्टर नाम के एक वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, अब देखिए रिएक्टर स्केल जो है वो कितने से कितने तक है। रिएक्टर स्केल को 0 से लेकर 9 तक माना गया है, 0 से 9 तक इसे माना गया है। ठीक है, 0 से 9 तक इसे मान लिया गया। और एक बात यहां पर आप माने थे, एक में 11 था एक में 12 था, दोनों अलग अलग वैल्यू हो गई हैं, लेकिन इस वैल्यू को इतने अच्छे से बढ़ाया गया ताकि ये कभी फेल ही ना हो सके। यहां पर एक के बाद में सीधा 2 आता है, 2, 3, 4 इस तरह से आता है, लेकिन रिएक्टर स्केल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर इसको इस तरह फैक्टर किए गए हैं ये कभी फेल नहीं हो सकता। कैसे किए गए हैं, नंबर एक, अगर आपने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है, ठीक है, आपको अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है तो उन बिंदुओं को 10 भागों में बांट दिया गया है, यानी कि पहला बिंदु दूसरे बिंदु से 10 गुना अधिक भारी होता है। यहां पर रिएक्टल स्केल बताता है। ठीक है, कैसे बताता है, यहां पर 1 पॉइंट हुआ, अगला 1.1, अगला 1.2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9 और उसके बाद दूसरा शुरू होता है। अब लगा लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने के लिए आपके पास में 10 वैल्यू हो गई हैं, यानी कि सीधा सीधा कहता है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से 10 गुना अधिक होती है। बात समझ आपको आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद में मुझे आपके कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है नाराज तो नहीं हो गए आप लोग। अच्छा, कमेंट चल रहे हैं, हमारे उधर नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ गई है भाई। ये नेत्रपाल जी पूछ रहे हैं, सर आप संस्कृत भी पढ़ाते हो। नहीं नेत्रपाल जी, मैं संस्कृत नहीं पढ़ाता हूँ, आप ये पूछ रहे हैं मुझसे। अच्छा, यहाँ पर चल रहे हैं, स्क्रीन पर आना बंद हो गया है, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट ओवरऑल। ठीक है, मैं आपका कमेंट अब यहाँ पर देख रहा हूँ, चलिए माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे लग रहा था कि आपके कमेंट रुक गए हैं या आप आने रहे हैं। ठीक है, रिएक्टर स्केल बिल्कुल सही बात है अंजू जी, आपने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, वैसे आप जो बात करते हैं बहुत अच्छा है, रिसीफेरल होता है जी। आप संस्कृत पढ़ाते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ मैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए लगे रहिए आप, मैं आपके कमेंट्स बाद में पढ़ लूँगा, स्क्रीन पर किन्हीं कारणों से रुक गया है। ठीक है, चलिएगा आगे, देखिएगा एक बिंदु से दूसरा बिंदु 10 गुना भारी होता है। ठीक है, अभी बिल्कुल ऐसी मान लीजिएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, इस तरह से आप देखते हैं कि एक बिंदु दूसरे बिंदु से 10 गुना अधिक होता है। क्वेश्चन कई बार आया है, रिपीट क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपके सामने है, आपके समक्ष है, आप इन्हें करके चलिएगा और ये आपको हमेशा याद होती रहनी चाहिए। ठीक, आगे देखिए, इसके बाद में अब बात करते हैं, देखिए अब तक भूकंप की हम बात कर रहे थे, भूकंप आपने देख लिया है, आपके समझ में भूकंप आ गया होगा। अब बात करते हैं भूकंप जो अभी आपने धरातल पर देखा है, लेकिन जब सागरों में भूकंप आते हैं तो वहां से कौन सी चीज की उत्पत्ति होती है, तो आप उसको भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। तो वहां से आपकी शुरुआत हो जाती है सुनामी। अब सुनामी क्या है, ये सुनामी को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए सुनामी क्या है, एक मिनट में कमेंट देख लेता हूं आपके। जी हां, सुनामी की जो हम बात कर रहे थे, सुनामी क्या है, जब आप देखते हैं कि सागर के अंदर प्लेटें टकरा जाती हैं या भूकंप वहाँ पर ज्वालामुखी फट जाते हैं, तो आकस्मिक लहरें ऊपर उठती हैं और ऊपर जब उठती हैं जो ऐसा मान्य लहरें होती हैं और वह धरातल पर आती हैं, धरातल पर आने के बाद में बहुत ज़्यादा जनमाल की हानि पहुँचाती हैं और जो हानियाँ पहुँचाती हैं तो उसे हम सुनामी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और सुनामी ही क्या है, वह विकराल रूप है समुद्र की लहरों का जो आपके
आकस्मिक हलचलों से यानी कि भूकंपीय कारणों से धरातल के नीचे से आती हैं और जो कई बार काफ़ी ऊंची उठ जाती हैं। ये अधिकतम जो नोट किया गया 18 मीटर तक नोट किया गया है। नीचे से जब वो तरंगे आई हैं तो उसने पानी को इतना ऊपर उठा दिया है, जलस्तर को इतना ऊपर उठा दिया कि वहाँ से तटों को उसने काफ़ी अपने आगोश में ले लिया। तो जो पानी या सागर की लहरें आपकी भूकंप के द्वारा आती हैं, ऊपर उठ करके आती हैं, उन्हें हम सुनामी कहते हैं। ठीक है साथियों, ये था आपका सुनामी। ठीक है, अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं किन किन क्षेत्रों में आपके भूकंप ज्यादा आते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम भूकंप आने की बात करते हैं, प्रशांत महापेटी में सबसे ज्यादा भूकंप आपके पास में आते हैं। इसका कारण ये है, क्योंकि मैं इसे कई रोज से आपको बता रहा हूं, प्रशांत महापेटी जो है आपकी, वो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं। ज्वालामुखी फटने के कारण वहां पर भूकंप अधिक से अधिक आते रहते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपका आज का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं यहाँ पर आया था। मुझे विश्वास है आप लोगों ने इसका पूरा अच्छे से फायदा लिया होगा, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा होगा। तो साथियों, आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। आपका किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं अब आपसे अगली क्लास में फिर मिलूँगा अपने क्वेश्चनों के साथ में। देखना होगा कि आपने कितना अच्छे से समझा है, कितना अच्छे से पढ़ा है। अगर आप रुचि बनाकर रखते हैं तो आप डेफिनेटली करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है, इसको आप गंवाएं ना और इसको आप सही से लेकर के चलिएगा। आपके पास में बहुत सारी क्लासें आती रहती हैं पर डे इस यूट्यूब चैनल से, चार चार पाँच पाँच क्लासें आपको मिल रही हैं। अभी 12:30 बजे ईवीएस की क्लास होगी, तब तक आप जाइएगा, आप लंच कीजिएगा, लंच करने के बाद में आप फिर से आइएगा। मेरा विश्वास है आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया होगा, जो गाँव में रहते हैं वो तीन तीन बार कर लिया होगा, जो शहर में है वो सोच पकड़ के अभी उठे होंगे। क्योंकि जब मैं गाँव में होता हूँ तो मैं इस समय तक कई बार खा लेता हूँ, लेकिन अब अगर मैं अब यहाँ की बात कर रहा हूँ तो मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है, तो मुझे भी जाकर के ना, अभी नाश्ता भी नहीं है, हमारे जो पानी एक गिलास पिया है। ठीक है, तो आप नाश्ता कीजिएगा, जिन लोगों ने नाश्ता नहीं किया नाश्ता कीजिएगा, जिन्होंने खाना नहीं खाया वो खाना खाइएगा, और उसके बाद फिर से 12:30 बजे विनोद कार्ते जी की क्लास में पहुंचेगा समय से। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ में वो भी आपके पास में आएंगे और अच्छे अच्छी क्लास आपको देंगे। तो साथियों, आज का टॉपिक कैसा रहा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको कैसा लगता है मेरा पढ़ाया वो ये भी जरूर बताएं। से लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपकी ये बातें मुझे ऊर्जा का काम करती हैं। मैं आपके लिए 1.5 घंटे यहाँ पर रहता हूँ, तो बस आपके लिए केवल इतना बनता है कि आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये तो आपके लिए बहुत छोटा सा काम है। ठीक है, इसी के साथ अगली क्लास तक के लिए मैं सचिन कुमार निगम आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, आपका यहां पर हमेशा खैर मकदम किया जाता है, आप हमेशा हमारी क्लास में आते रहें, आप लाभ उठाते रहें। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, गुड डे।